एक बार फिर आज तक पर आपका स्वागत है। 50 खबरों के बाद अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मां बात हो रही है एंटीलिया केस की, जिसमें सचिन वाजे के रोल को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए राज बेनकाब हो रहे हैं, और अब सामने आया है कि सचिन वाजे की 3 कंपनीज के साथ कनेक्शन था। वो तीनों में डायरेक्टर थे। बीजेपी ने वाजे को महज मोहरा बताकर उद्धव सरकार को घेरा है, तो शिवसेना का मुखपत्र सामना ने एनआईए जांच पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की एक साजिश इसे बताया है। और तो और, इस केस में एक के बाद एक कार सामने आ रही हैं। तस्वीर देखिए, आपको हम ग्राफिक में भी यहां दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज के बाद लैंड क्रूजर कार की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। और ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में भी एक अहम रोल निभाएंगी। एंटीलिया मामले की जांच एटीएस कर रही थी। दरअसल सामना में ये लेख छपा है, आनंद फानन में ये जांच एनआईए को सौंपी गई है। शिवसेना के मुखपत्र में ये लिखा गया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया। इस मामले में आतंकवाद का ना होना और फिर भी एनआईए का जांच करना, आखिर ये क्या मामला है? आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एनआईए जिलेटिन की छड़ों की जांच कर रही है, लेकिन उरी, पुलवामा, पठानकोट जैसे हमलों के इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? ये कहते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में सवाल उठाए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जिस बात का जिक्र हम कह रहे थे कि कैसे एक के बाद एक कार्स की जो एंट्री हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, लग्जरी कार्स, पहले स्कॉर्पियो, फिर इनोवा, उसके बाद मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, और गाड़ी में बैठे हुए सचिन वाजे दिखाई दे रहे हैं मनसुख के साथ। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में कई तरह की शंकाएं अलग अलग पक्षों की तरफ से जाहिर भी की जा रही हैं। और शिवसेना ने तो आज जो मुखपत्र है सामना, उसमें सीधे सीधे एनआईए को यह केस सौंपे जाने पर सवाल उठा दिया है कि एनआईए उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है जो आतंकवाद से जुड़े हैं। और ऐसे में एंटीलिया केस को क्या आतंकवाद के दायरे में लाया जा रहा है? इसे कहते हुए शिवसेना के मुखपत्र में सवाल उठाए गए और तुलना कर दी गई पुलवामा, पठानकोट, उरी जैसे हमलों की, कि आखिर उन हमलों में क्या हुआ। और यही वजह है कि एक तरफ मुखपत्र में आप ये लेख छपा हुआ देख रहे हैं जिसमें शिवसेना सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अलग आरोप है। लेकिन इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों को अब जरा सुनिए क्या दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कहा। जांच एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएंगी, नंबर एक। नंबर दो, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहां के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी, उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया। 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। क्या अनिल देशमुख जी का इशारा ये शिवसेना की ओर है कि शिवसेना की ओर से बहुत बड़ी गलतियां हुई है? किसकी ओर उनका इशारा है? इन दोनों दलों का आपसी मनमुटाव, इनका आपसी संघर्ष, उसी के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ऐसे कौन से कारण हैं कि 22 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी की पूरी सरकार वाजे गैंग को बचाने के पीछे पड़ी है? इन बातों का जवाब शिवसेना को, महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। देखिए, हर अफसर का एक बॉस होता है और होता सरकार। ये फर्नांडिस साहब को मालूम है, सरकार ही बॉस होती है। जो सरकार सत्ता पे बैठती है, बहुमत वाली सरकार होती है, वो प्रशासन की बॉस होती है। क्या बॉसेस की बात करते हो?
जब आप थे मुख्यमंत्री तो आप भी पॉलिटिकल बॉस थे सरकार के। उस वक्त परमवीर सिंह साहब हमारे जो है वो थाने के कमिश्नर थे, आपने उसकी अपॉइंटमेंट की थी, तो आप भी बॉस थे उस वक्त उसके। तो आरोप प्रत्यारोप आपने सुने, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि वाजे के खिलाफ अब तक किस तरह के सबूत जो है वो हासिल हुए हैं। इसमें कंपनीज में डायरेक्टर होना, सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा कार में जो उनकी तस्वीर सामने आई है, कुर्ता और कुछ डिजिटल सबूत है, जिसे लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अहम सवाल उठाए हैं कि आखिर एनआईए को ये जांच सौंपने का क्या मतलब है, क्या इस मामले को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं मुस्तफा शेख। मुस्तफा, कहां तक अभी इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है और आज के दिन में क्या अहम होने वाला है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, सचिन वाजे क्योंकि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, एनआईए के लिए पूरे केस का मोटिव क्या है ये समझने में दिक्कत हो रही है। जब उन्हें एविडेंस से आमना सामना कराया गया तो उन्होंने अपना रोल तो मान लिया कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन इसके साथ साथ और कोई लोग इन्वॉल्व है क्या इस बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। आज थाने सेशंस कोर्ट में महाराष्ट्र एटीएस जो है एक वारंट दाखिल कर सकता है वजह के खिलाफ मनसुख हिरन मर्डर केस मामले में, जो अभी भी महाराष्ट्र एटीएस के सामने है। तो जब कोर्ट खुलता है इस केस में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एनआईए फिलहाल सारा फोकस इस चीज पे कर रही है कि इस क्राइम को लेकर के वजह का क्या मोटिव था ये पता लगाया जा सके। मैंने जी शुक्रिया आपका मुस्तफा, आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।